नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम बात करते हैं लौंग इलायची के तंत्र क्रियाओं के प्रयोग के बारे में कि कैसे होती हैं क्रियाएं। इलायची जो महालक्ष्मी को खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, उनको बुलाती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा प्रयोग बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए और वीडियो पूरी तरह से देखिए। ज्योतिष पर आधारित है, लेकिन बताने से पहले आपसे एक जो है निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाना चाहिए। महालक्ष्मी का मंत्र है, हम आपको बताएंगे, वो मंत्र जो है पढ़िएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं तो हमारी जो है चाहत छोटी पड़ जाती है, खुशियां हमारे को मिल जाती है, जितना हम चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा। अगर हमारे को धन मिल जाता है, हमारे जो है दुख दरिद्र ख़त्म हो जाता है, तो हमारे को जो है बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग करते हैं और महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य खुद ही उदय कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर के पैदा हुआ है कि कोई दुर्योग लेकर के पैदा हुआ है। किसी की कुंडली में राजयोग होता है, किसी की कुंडली में दुर्योग होता है। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग जो है चल रहा है और आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका वक्त बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप जैसे मिट्टी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी, उस समय को पहचान लीजिए। आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जब समय मिले तब जो है धारा में नहीं बल्कि जो है सिंपल तरीके से, लाइट तरीके से जो है आगे बढ़ते चलें। ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश कभी भी ना करें। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए ना, हमारे कहने का मतलब है जब समय अच्छा हो तब जो है बहुत ही मेहनत करें, और जब समय कुछ ऐसा गड़बड़ा रहा हो तब शांत हो जाएं। जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए फिर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करें। और हमने जो है इस प्रकार से टॉपिक रखा है, तो हर घर में जो है इलायची का प्रयोग शुक्र को मजबूत करने के लिए होता है। ये शुक्र को मजबूत कर देता है। आप जो है हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, आपके शुक्र को बल मिलता है और शुक्र मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को बहुत ही सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भूख बढ़ाता है। आप खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिर घूमें फिरेंगे। और जो है शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें इलायची के दाने डाल करके उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, और इसके बाद उसी पानी को नहाने वाले पानी में डाल करके नहाएं, तो आप देखेंगे कि जो है उसको करने से जो है आपको कैसी खुशी मिलती है। और इसी प्रकार से आप डाल करके उसको गर्म करके किसी शीशी में रख लें, और जब रोज़ नहाएं तो भी जो है उसका एक ढक्कन पानी उसमें डाल करके नहाइए, तो आपका शुक्र जो है मजबूत होगा, बेहतर होगा। और इसी प्रकार से यह सिंपल प्रयोग करिए। ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि नौकरी में, शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। जब एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर कर लीजिए। आप चाहते हैं कि शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी इलायची और मिश्री आपके पास जो भी है, छोटी इलायची में से दो दाने निकालिए और इसको लेकर के किसी जो है पीपल के नीचे किसी भी दिन या शुक्रवार के दिन जो है ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करके पीछे मुड़कर मत देखें, और इसी प्रकार से शिक्षा की बाधाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। अगर आपका शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। शुक्रवार के दिन जो है हरी इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु या सफ़ेद मिठाई लेकर के, घी का दीपक लेकर के आप किसी जो है पवित्र बहती हुई नदी पर चले जाएँ और वहाँ जा कर के तालाब के किनारे जा कर के जला दें। अब किसी पत्ते या नदी के जो है नदी के पास जा करके इलायची को रख दीजिए, जला दीजिए, और फिर जो है बहते हुए जल में उसी पत्ते को डाल करके
और आपका शुक्र जो है बेहतर हो सकता है। जीवन में जो है सुख बढ़ेगा, विवाह होगा। अगर जो है पास में बहती नदी तालाब नहीं है तो किसी जो है मंदिर में जाइए और वहाँ पर जा कर के जो है अपनी जो है पति पत्नी में प्रेम के जो है अगर शुभ कामना करते हैं। किसी की शादी हो जाती है, आपस में जो है कोई लड़ाई झगड़ा रहता है, अगर आपका प्यार कहीं खो गया है, दूरियां बन गई हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े जो है प्रेम के प्रतीक तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ही हैं। उनका नाम लेकर के शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची उसमें जो है अपने शरीर का स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है कि पसीने से स्पर्श कराएं, पर आप जो है ऐसा ना करें, पसीने से स्पर्श ना कराएं। आप जो अपने शरीर में टच कर लें बस इतना ही काफ़ी है, और इसके बाद आपके पास जो है रुमाल हो, दुपट्टा हो, उसमें जो भी हो बांध लीजिए और बांध करके अपने पास ही रखिए। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है तो शुक्रवार के दिन ये सब करके इन्हें इलायची संभाल करके रखनी चाहिए। और लगातार सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें 2-4 दाने जो है इलायची के डाल दीजिए। उससे पहले किसी भी जो है वस्तु को जो है दबा दे, उसके बाद उसको मिला करके अपने पति को जो है खिला दीजिए। शुक्रवार के दिन ये जो है ज़रूर कीजिए। फिर जो है लगातार शुक्रवार शुक्रवार तक करते जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर कीजिएगा। इससे प्रेम बढ़ता है। विद्यार्थी हैं तो सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया है उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिए, अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपकी पढ़ाई में एकदम जो इच्छा ख़त्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डाल करके उबालिए, और उसके घर में अगर कोई आपके घर गरीब काम करने आता है, सफाई वाला आता है, कर्मचारी आता है, तो उसको आप चाहें तो चाय वगैरह बना करके उसमें डाल करके इलायची दें तो आपके पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे। ये बहुत ही सटीक टोटका है, और कई बार जो है धन की कमी से ऐसी परेशानी होती है, लगता है जैसे हम असहाय हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, तब ऐसे में जो है किसी हिजड़े को कुछ सिक्के दे दीजिए और उसी के बीच में से वापस ले लीजिए। बीच में ये जो है बीच बीच में आप ये सिक्के देते रहिए, और इलायची जो अगर आपका दिया हुआ वो खा लेता है तो हमेशा ही अपने पास रखिए, और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के अपने जीवन की धन की मुश्किल जो है दूर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल प्रयोग है, पर ये जो है काम बहुत अच्छा करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं कि उन्हें सुंदर बीवी मिले, और जब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन जो है हरी इलायची पीले कपड़े में बांध करके फिर आप किसी जो है मंदिर के पास जाइए, और आपको सुंदर बीवी मिलेगी। और बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देख लीजिए, एक बार आजमा लीजिए। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके जूनियर सीनियर हो गए हैं पर आप वहीं के वहीं हैं, तो आप जो है रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची बांध करके तकिए के नीचे रख करके सो जाइए, और अगले दिन उठ करके उसको किसी बाहरी व्यक्ति को, ऑफिस में किसी भी को दे सकते हैं, और किसी को भी खिला दें, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जब जब बार बार जो है करने से नहीं होता, छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में चाहें तो श्री श्री महालक्ष्मी बीज मंत्र है, इसका 3 बार प्रयोग कीजिए, बोलिए, और आपको सफलता मिलेगी। जीवन में ज़्यादा जो है परेशानी आ रही हो तो छोटा सा काम करें, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उसको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची के दोनों ही बांध करके, और जब दोनों दानों को बांध करके उसको अपने स्थान पर रख दें, धन की कमी नहीं रहेगी। इलायची की खुशबू लक्ष्मी माता को आकर्षित करती है, लक्ष्मी माता को जो है अपनी तरफ खींचती है। ऐसा पहला आहार खाएं, फिर आपको जो है चाहिए सुबह सुबह चाय में जो है इलायची डाल करके चाय पीजिए। इलायची का दाना उसमें डाल करके अगर चाय पियेंगे तो आपका जो है दिन अच्छा बीतेगा और भाग्योदय होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है इसलिए आपको जब हम कोई भी वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।